कोरोना के घटते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकारें अब अनलॉक की तैयारी में हैं। राजस्थान सरकार 8 जून से अनलॉक की शुरुआत कर सकता है। अनलॉक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजारों को तय समय में खोलने की छूट मिल सकती है। उधर दिल्ली में कम होते आंकड़ों के मद्देनजर सोमवार से अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में सोमवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ बाजार खुलेंगे। सीएम केजरीवाल का कहना है कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लाने के लिए अब अनलॉक शुरू करने की तैयारी है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। अगर बात करें कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल 1,20,529 केस सामने आए, जो पिछले 58 दिन में सबसे कम है, जबकि पिछले 24 घंटे में 3,380 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए लोगों का आंकड़ा 1,97,894 है। कोरोना के इस घटते संक्रमण से राज्य सरकारों को राहत मिली है। हालांकि बीते 24 घंटों में मौतों का ग्राफ बढ़ा है। शुक्रवार को कुल मौतें 2,713 हुई, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 3,380 तक पहुंच गया, जो चिंताजनक है। भले ही राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था की दुहाई देकर अनलॉक की तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर का प्रकोप जल्द हो सकता है, और ऐसे में सवाल यही बड़ा है कि क्या स्वास्थ्य से बड़ा अर्थव्यवस्था का खतरा है, जो सरकारों को अनलॉक के फैसले लेने पर विवश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
एसएनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे, पेंडेमिक चल रहा है, पैनिक हो सकते हैं हम लोग क्योंकि घरों में बंद हैं, किसी के काम धाम को लेकर, कोई अपनों को खोकर, किसी को ये चिंता है कि तीसरी लहर का क्या होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है जिससे हम निपट सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, हमें उस भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। अभी हम जिस दौर से करीब एक डेढ़ महीने तक जो निकले, ऑक्सीजन की कमी हो चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं बचा सके। खैर हालात जो रहे, हमें लेकिन उससे सबक लेना है। ये जन टीवी की मूवी में अपील है, हमारे अतिथियों की ओर से अपील है कि हमें उससे सबक लेना चाहिए। अभी तक कोरोना गया नहीं है, अनलॉक करने की वजह साफ है कि हमें हमारी रोजी रोटी की भी फिक्र है। सरकारें भी चाहती हैं, हम सब भी चाहते हैं कि जीवन पटरी पे लौटे, लेकिन बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो दूसरी लहर आनी थी, अपेक्षित थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी गलतियां, हमारी लापरवाही की वजह से इसका विकराल रूप रहा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह अदृश्य शत्रु कई रूप बदल रहा है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। जिसमें बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सफल कारगर हो रहा है, हमें मास्क रखना है, लेकिन हम देखते हैं कि बाजार अनलॉक होते ही जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, चलिए आपकी जरूरत की चीजें आप लीजिए, लेकिन आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप मास्क वेयर करिए, घर जाते आप अपने हाथ धोइए, सैनिटाइजर अपने साथ रखना चाहिए, बहुत ज्यादा कीमत के नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमें इससे बचा सकते हैं। तीसरी लहर सामने खड़ी हुई है, ये एक दिन पहले ही की बात बताना चाहूंगा मैं कि मिस्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, मेडिकल एंड हेल्थ को लेके अपना वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के साथ कहना था कि तीसरी लहर को हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उससे बचा जा सकता है सावधानी के जरिए। खैर चलिए, हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं, डॉक्टर पीआर गुप्ता साहब लगातार पेंडेमिक में हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप लोगों के बीच और समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहे हैं। अलका बत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और फिक्यू फ्लो की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ तीसरे हमारे अतिथि सुभाष गोयल साहब जुड़ रहे हैं जो जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अनलॉक करना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन जितना जरूरी था उतना ही अनलॉक करना भी जरूरी होगा क्योंकि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। लेकिन मैं जो भीड़ देख रहा हूं, बात एक राजस्थान की नहीं है, वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो या राजस्थान बिहार, कहीं पे भी जहां अनलॉक हो रहा है वहीं की स्थितियां इसी तरह की आ रही है। अचानक क्राउड निकल करके आ रहा है कि जैसे मुल्क आजाद हो और आज ही हमें जश्न मनाना है। तो ये कुछ लोगों का ये कहना है कि सर टाइम पीरियड बहुत कम है, तो वास्तव में पब्लिक भी और सरकारें भी, क्या वास्तव अब ये वक्त है कि इस पे एक बार एक्सरसाइज वापस से करनी चाहिए जहां समय कम है, या इस टाइम को बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर किसी ने ओड इवन के हिसाब से भी मार्केट ओपन की है, तो सर आप कैसे सुझाव देना चाहेंगे कि हाँ वास्तव में इस तरह से किया जा सकता है इसको ताकि भीड़ से बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आम जन की जिम्मेदारी है कि वो अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाए, वो जरूरी हो तो ही बाजार जाए, मास्क लगा के जाए, बाजार जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखे और जहां भीड़ दिखे वहां से वो दूर हट जाए, चाहे उसका कुछ भी खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि भीड़ में जाने के बाद यदि कोरोना का प्रसाद आपको मिल गया तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अनलॉक की प्रक्रिया में हम पूरा सरकार का साथ दें। दूसरा यह है कि अनलॉक जो है उसकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, बाजार को सीमित समय से खोलना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सीमित समय में खोलेंगे तो सभी लोग एक साथ जाएंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि बाजार का समय खोलने का बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें यह किया जा सकता है कि जैसे 10 से 5 करें, क्योंकि 6 से 11 में कोई दुकानें खोलेंगे भी तो आमजन जा नहीं पाता है, फिर वो 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं, 11 बजे भीड़ भाड़ होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी अनलॉक की प्रक्रिया हो उसमें बाजार खुलने का समय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भीड़ कम हो, लोगों को इतना मौका मिलना चाहिए कि वो सब एक साथ ना जाए। इसके अलावा भी जैसे जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, खास तौर पर जो हमारी एनफोर्समेंट है, वो भी पूरी तरह से अभी भी सजग रहे, क्योंकि जो एक महीने से सजगता हमारे एनफोर्समेंट ने दिखाई है वही सजगता अनलॉक के दौरान भी जरूरी है। एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी है कि वो कहीं भी भीड़ ना होने दे।
तो मेरे ख्याल से इन सावधानियों के रखते हुए हम जो है जो कोरोना के दौरान जो लापरवाही हो रही है, भीड़भाड़ हो रही है, उससे बच सकते हैं और तीसरी लहर तो निश्चित तौर पर हमारे सामने। जी मैं डॉक्टर साहब लौटूंगा, अलका जी के पास जाना चाहूंगा। अलका जी, हर व्यक्ति चाहता है कि सामान्य स्थितियां बने, लेकिन सामान्य स्थितियां तभी बन सकती हैं कि हम सब लोग अवेयर हों, हम उस तरह के जागरूक हों कि कम से कम इतनी हिफाजत कर सके, खुद की भी, दूसरों की, अपनों की भी। इसका मुझे अभाव दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक आदमी खड़ा नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, हम घर में भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारी जो टीम लगातार बड़ी चिंता होती है कि अगर वापस हम उस दौर में चले गए तो क्या होगा। तीसरी लहर की आशंका बताई जा रही है, अभी ये दौर खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं हमारी चूक है या फिर पब्लिक को उस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर मार्केट से एक आदमी के जाने से काम चल सकता है तो एक ही जाए। हम देखते हैं कि चार चार लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, कि मैं भी घर में घुट रहा था, इनके साथ जाके आ रहा हूँ। तो ये सब जो सोच है, ये कैसे बदलेगी फिर हमारी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन को अनलॉक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज लॉकडाउन का कोई सोल्यूशन नहीं है। 1.5 साल से लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं और आप जानते ही हैं कि इकोनॉमी तो इकोनॉमी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास आदमी बिल्कुल जमीन पे आ चुके हैं। दे आर जो हैंड टू माउथ लोग हैं वो बिल्कुल भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं। तो ये खुलना बहुत जरूरी है। सो जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, आई थिंक सेल्फ डिसिप्लिन एक हमारे को बहुत जरूरी है कि हम लोग के पीछे के हर जने के पीछे एक जना उसको कॉशियस करने के लिए नहीं चल सकता। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे बिजनेसेस खोल दिए जाएं, उद्योग धंधे खोल दिए जाएं, क्योंकि 3-4 उद्योग धंधे तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, जिसमें टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, बार्स, ब्यूटी पार्लर्स है, मतलब ये इन सब की तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात है मेड्स जो घर में नौकरानी या काम करने आते हैं, मेड्स हैं, हाउस हेल्प हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेला लगा के अपना रोजी रोटी कमाते हैं, ये बिल्कुल जमीन पे आ गए। तो इनको खोलना सबको जरूरी है। अगर टाइम की लिमिट अगर हमको करनी है इनिशियली फॉर कपल ऑफ डेज, हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 6 से 11 इज नो ऑप्शन, कि आप 6 से 11 खोल दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। और एक साथ खोल देने से, भीड़ एक ही जगह इकट्ठी होने से और ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। सो उसके लिए हमको सेक्टर वाइज कर देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 11 से 1 के बीच में हम कंज्यूमर ड्यूरेबल के खोल दें और 1 से लेकर 4 बजे तक हम FMCG प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट की बात कर रही हूँ मैं, खोल दें। और बाकी ऑफिसेज का जो हम अपना टाइम है वो टाइम रखें जिसमें कि हम 40% 50% स्टाफ के साथ काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि एंटरप्राइज वापस से अपने ट्रैक के ऊपर आएंगे और थोड़ा काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें व्यापारी भी पिस रहा है और काम करने वाले कर्मचारी भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही है, सैलरी कट हो गई है, सैलरी नहीं है, वो 1-1.5 साल से बिना सैलरी के या आधी सैलरी में कैसे काम चलाएंगे। तो ये खोलना तो अब जरूरी है ही है। और आई थिंक हम लोग क्रिटिसाइज करते थे ट्रंप साहब को जब उन्होंने अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगाया था और लोग मरे थे, लेकिन आप देखिए उन्होंने इकोनॉमी को नहीं जाने दिया। तो मुझे लगता है कि हमको भी सेल्फ डिसिप्लिन होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि घर बैठ के भूखे मरने से अच्छा है कोरोना से मर जाए जाके। तो ये हालत हो गई। बिल्कुल, देखिए जाना पड़ेगा, ये तो पार्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें कोरोना के बीच ही जीवन जीना है, लेकिन बशर्ते कि आपको सावधान रहना होगा। सावधान रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मास्क पहनेंगे, अगर दुकान पे कोई आ रहा है बिना मास्क के आप अंदर एंट्री नहीं देंगे, डिस्टेंस रखेंगे। मुझे लगता है कि नया जो दौर 21वीं सदी में एक ये भी दौर होगा कि आपको लिटरेट होने से काम नहीं चलेगा, ये मैनर्स लिटरेसी भी होना बहुत जरूरी होगी। माफ करिए किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मैनर्स का ही पार्ट है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें, दूसरे की हिफाजत का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस पैरासिटामोल लेकर के रवाना हुए, डॉक्टर साहब ने भी कई बार इस तरह के उदाहरण दिए कि अगर हल्का बुखार भी है तो आप रिस्क मत लीजिए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, क्योंकि हम हर घटना से सबक लेना चाहिए हमें। दूसरे वेव की जो घटनाएं हुई हैं, लगातार लोगों का मरना, ऑक्सीजन की कमी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ये हो गया कि पता नहीं बहुत बौना सा साबित हो गया, जैसे कहें कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये हालात बन गए थे। ये अचानक स्थितियां बनी, बनाने के लिए कोई वो नहीं है कि बिल्कुल उसने ऐसा बड़ा उतार ले लिया हो कि जिसकी वजह से हालात बने, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमने ब्याह शादियों में बेलगाम कर दिया सब कुछ, कोई जा रहे हैं हजारों की संख्या में, भोजन हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रही है, रैलियां हो रही है, तो ये तमाम जो चीजें हैं उसमें लापरवाही जनता की भी रही कि देखिए उनको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ लगाया नहीं, क्या हुआ उनके, मेरे भी नहीं होगा। 15 दिन से 20 दिन में आपको वो कभी झपट्टे में ले सकता है। अगर आज किसी के संपर्क में आए तो वो जरूरी नहीं है कि कल शाम तक ही आपको बुखार आएगा, आप 15 दिन तक आ सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात करना बड़ा लाजमी होगा, लोगों के गलत फहमी है कि उसके
मैं घूमने गया था, छींक रहा था वो व्यक्ति और मेरे तो कुछ नहीं हुआ, अभी 24 घंटे हो गए। ये भ्रांति लोगों के दूर करना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, कोरोना के संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के बाद आमतौर पर 7 से 14 दिन का समय इंक्यूबेशन पीरियड का है, यानी वो इन्फेक्शन आपके शरीर में तो पहुंच गया लेकिन आपके उसमें लक्षण आने में 7 से 14 दिन का समय लगेगा। इसलिए इस पीरियड में आपको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। इसलिए 7 दिन तक यदि आपको लक्षण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ। यदि आप किसी कोरोना पीरियड के संपर्क में आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर आपको तुरंत क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और 7 से 10 दिन के पीरियड में पूरी तरह क्वारंटाइन रहना चाहिए और 7वें दिन आपको PCR कोविड की जांच करा के ही बाहर निकलना चाहिए यदि वो नेगेटिव है। तो ये वाली बात है। अब मैं देखो तीसरी लहर के बारे में आपको बताऊंगा। पहली लहर का सबक ये था कि हम बिल्कुल आजाद हो गए थे, प्रशासन ढीला पड़ गया था, जिसकी वजह से कोरोना का विकराल रूप हमें दूसरी लहर के रूप में देखने को मिला। अनुमान यह है कि तीसरी लहर इतनी भयावह तो नहीं होगी, क्योंकि दूसरी लहर का जो सबक प्रशासन को और आम जनता को लेना चाहिए, काफी लोग उसमें ले चुके होंगे। और दूसरा आजादी का काफी भाग तब तक वैक्सीनेशन ले चुका होगा, इसलिए तीसरी लहर इतनी भयानक और व्यापक तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि तीसरी लहर में वो पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट होगी जिसके वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जैसे कि बच्चे हैं, 6 से 18 साल के बच्चे हैं, या जो 18 से 45 साल के जो वयस्क हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा, उन लोगों में ज्यादा संक्रमण होने की संभावना है। लेकिन जो लोग 2 वैक्सीन लगा चुके वो भी अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें। जो विकसित देश हैं जहाँ की जनता को 35 से 40% तक वैक्सीनेशन हो चुका, उन देशों में मास्क हटाने की आज़ादी दी गई है। उसका कारण यह नहीं है कि वो सुरक्षित हैं, उसका कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने को प्रेरित हों। हमारे यहाँ ये स्थिति पहुँचने में अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे, इसलिए हमें अभी मास्क लगाना ही हमारे लिए सुरक्षित है, चाहे हम वैक्सीन लगा चुके हों तो भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप, और यही एक बड़ी वजह है कि हमें उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस महामारी की तीसरी लहर का जो जिक्र किया जा रहा है सितंबर अक्टूबर के आसपास का बताया जा रहा है, जो संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि दूसरी लहर का किसी को मालूम नहीं था कि अप्रैल के आसपास इतना विकराल रूप धारण करेगी, किसी को पता नहीं था। होता तो शायद कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाते, लेकिन ये अंदाजा किसी को भी नहीं था। और अब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जैसे मैंने कहा कि हर गलती कुछ ना कुछ एक सबक भी देती है, उसमें हमारी कमजोरी को ढूंढ के उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। सफलता का एक मंत्र और एक सिद्धि भी कहा जा सकता है इसे, और अगर हम वो नहीं पहचान पाते हैं तो फिर हम निश्चित रूप से धोखे में जी रहे हैं, और धोखे के साथ धोखा कभी भी हो सकता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अलका जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। अलका जी जी, कुछ चीजें हैं अभी, जैसे गांव से लोग यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए, अभी उनमें बड़ा डर है क्योंकि उद्योग धंधे चलाने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि कोई लोकल कुछ लोग रुके हैं वो ही काम कर पाते हैं, या जिनके पास में रेगुलर लेबर है वो कर पाती है, उन लोगों में डर है, वो कैसे बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि ये डर की वजह यह है कि अब की बार गाँव में भी 40% लोग संक्रमित हुए हैं, डेथ केसेज भी आए हैं, और आज भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि 24 घंटे का जो अंतराल रहा 600 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा, संक्रमण का आंकड़ा कम हुआ है। आज भी राजस्थान की अगर स्थिति की बात करें और जगह की बात करें तो वेंटिलेटर्स फ्री नहीं है, डॉक्टर साहब को तो एक एक चीज का मालूम है। तो जो गंभीर केसेज हैं उनकी कमी नहीं आ रही है अभी, ऐसे में डर है उनको, तो पटरी पे लाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यह तीसरी लहर का जो जिक्र हम कर रहे हैं लगातार, हम ही नहीं कर रहे हैं, विशेषज्ञ कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि कोई भी पेंडेमिक होती है उसकी लहर आती है, पहले भी ऐसा रहा है, हिस्ट्री है इस बात की, तो उनमें डर है। फिर पटरी पे लाने के लिए हम तो यही कह सकते हैं अभी तो कि कुछ धंधे जो हैं वो ही खुल सकते हैं, या फिर पटरी पे लाने के लिए हमें तीसरी लहर का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, रूरल एरिया की जहां तक बात करें, आई थिंक अभी जो सेकंड फर्स्ट वेव में तो रूरल एरिया में आपने हार्डली कोई केस सुने होंगे,
लेकिन सेकेंड वेव में कुछ केसेस रूरल एरिया में पहुंचे और रूरल एरिया को भी हमने बंद करवा दिया, मीन्स लाइक वहां पे भी गांव नहीं तो लोग खेती बाड़ी अपना सब कुछ कर ही रहे थे। यहाँ के जैसे उद्योग धंधों की लेबर की बात है तो पहले भी सरकार ने कहा था कि आप अपने प्रमाइस में ही रख के लेबर को क्वार्टर्स दे दीजिए, उनका आने जाने का प्रबंध करिए और आप उनसे काम करवाइए। वो प्रैक्टिकली सारी इंडस्ट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि फैक्ट्री के पास फैक्ट्री की जगह होती है, वहां पे 50-100 लेबर रखने की जगह नहीं होती है और हॉस्टल्स वो इमीडिएटली हायर नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल नहीं था, बट समहाउ कुछ लोगों ने मैनेज किया। आप ग्रही गांव में लॉकडाउन की बात, तो गांव में लॉकडाउन क्या खाली दुकानें बंद करा दी सर, लेकिन गांव का हाल और भी खराब है क्योंकि वो सारे के सारे आदमी एक जगह बैठ के ताश खेल रहे हैं, 25-50 लोग। इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई आपने को उद्योग धंधों पे नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, लेकिन वो एक जगह इकट्ठे होकर ताश खेल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का आता पता नहीं है और कुछ नहीं है, तो ये अवेयरनेस नहीं। इसकी जगह अगर उनको काम पे ले लिया जाएगा तो शायद काम पे आने पर काम पे काम करने के प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो शायद उनमें इन्फेक्शन कम होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें खोलनी चाहिए और हमको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उद्योग धंधे भी चलाने चाहिए, शॉप्स भी खोल देने चाहिए और वैसे भी मैं ये कहती हूँ कि रूरल एरिया के लोगों में इम्यूनिटी लेवल हम लोगों से ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग सारा दिन धूप में इसमें काम करते हैं, हाइजीन का लेवल वहाँ का आपको पता ही है, तो आई थिंक दे आर बेटर इम्यून सिस्टम देन अस, तो वी शुड ओपन इट फॉर देम एंड वी शुड आस्क देम टू गो ऑन देयर रेगुलर वर्क विद ऑल दीस थिंग्स। उनको थोड़ा अवेयरनेस करने की जरूरत है। आज अगर मेरे ऑफिस में कोई गांव से बंदा काम करने आएगा तो मैं उसको मास्क के बिना घुसने नहीं दूंगी, सैनिटाइज करवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो शायद वो हमारे ऑफिस में या उद्योग धंधों में आने में ज्यादा सेफ है रादर देन वो घर में बैठ के ताश खेले या एक साथ बैठ के हुक्का पिए, बीड़ी पिए और सारा अपना दिन वेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इनको खोल देना चाहिए विद सोशल यू नो विद ऑल दिस अवेयरनेस, क्योंकि ये लोग नहीं तो ये मानते नहीं है और सारा दिन ये काम करके और ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं। एज फार एज थर्ड वेव इज कंसर्न, तब तक मुझे लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी जैसे रक्षा भी बोल रहे होंगे वो थोड़ा बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों को सर कोई दो दो बार कोरोना हुआ है मैंने देखा है, जिनको लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में कोरोना उनको अप्रैल में दोबारा हो गया डिस्पाइट बोथ द वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज ऑल्सो नॉट ऑल्टरनेट, कोरोना होने के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, वो भी जरूरी नहीं है, आपको कोरोना तब भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि फेटल नहीं होगा, तो हमको इन सब चीजों के लिए रेडी रहना जरूरी है और वैक्सीनेशन को टाइम टू टाइम, क्योंकि वैक्सीनेशन की भी एज आई थिंक 12 महीने से 13 महीने बताते हैं और दोबारा फिर से करनी पड़ेगी, तो वो भी अपने को उसको सरप्लस में रखना पड़ेगा। आई थिंक सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में चलता रहे। ये तो इस तरह से हो गया कि हर साल जैसे आप इनकम टैक्स भरते हैं हर साल आप वैक्सीनेशन कराते रहिए क्योंकि अपने को रहना कोरोना के साथ ही, तो वैसा बिल्कुल। देखिए जब तक तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, एक बार के लिए है कि हम तीसरी लहर से पहले पहले पूरे देश को एक बार वैक्सीनेट कर दें, उसके बाद तो मुझे लगता है कि प्राइवेट लैब्स जो हैं और भी वो मार्केट में आएंगे और जैसे आज कोई भी इंजेक्शन आप खरीद के लेते हैं उसी तरह से वैक्सीन शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब लगता है कि ये एक टाइम फेज है, कुछ समय की बात है, उसके बाद तो ओपन मार्केट में कोई भी वैक्सीन कहीं से कोई भी खरीद के लगवा सकता है, ये मुझे लगता है कल्चर भी डेवलप हो जाएगा मेडिकल सिस्टम में। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, एक समय के बाद में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने यहाँ वैक्सीन लगा लेंगे, लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो पैंडेमिक है वो इतना भयावह नहीं है कि कई सालों तक चलता रहेगा। पैंडेमिक का बिहेवियर होता है, पहली वेव कम सब खतरनाक होती है, दूसरी वेव खतरनाक ज़्यादा होती है, तीसरी वेव कम खतरनाक होती है, पहली वेव से भी कम खतरनाक होती है, और कई बार तो यदि हम सावधान नहीं रहे तो दूसरी वेव पे भी चढ़ के आ जाती है, उतरते समय आ जाती है, कई बार चौथी पांचवी वेव भी आती है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि दिसंबर के बाद में ये पैंडेमिक एंडेमिक में चेंज हो जाएगा। एंडेमिक का मतलब स्पोरेडिक केसेस एक दो कहीं कहीं होते रहेंगे, लेकिन पैंडेमिक स्वरूप जो है वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा वैक्सीनेशन लगाने वाली बात तो सही नहीं है, लेकिन ये सही है कि एक बूस्टर डोज अपने को लगानी पड़ सकती है। एक बूस्टर डोज का मतलब ये हुआ कि जो दो डोज हमने लगा ली उसके एक साल बाद में एक बूस्टर डोज लगाने की जरूरत हमें पड़ सकती है। डॉक्टर साहब समय कम है, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इसमें फिर इसका वेरिएंट जो है उस पर भी असर पड़ेगा, वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, ऐसा है वायरस में कि हाँ बिल्कुल जब संक्रमण का रेशो इतना ज्यादा हो जाता है उसको जगह नहीं मिल पाती है तो फिर वो वेरिएंट जो है वो भी कमजोर होता चला जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब संक्रमण का दौर ज्यादा होता है तो वेरिएंट्स ज्यादा सामने आते हैं, और जब संक्रमण का दौर कम होता है तो वेरिएंट्स भी मतलब म्यूटेशंस भी फीके पड़ने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली ये पैंडेमिक अपना स्वरूप चेंज करके और एंडेमिक में आ जाता है, और एंडेमिक में कोई वेरिएंट
नहीं बनता, तो इसलिए हम अल्टीमेटली दिसंबर तक ऐसी उम्मीद है कि ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा और एंडेमिक रूप ले लेगा, और वो एंडेमिक साल दो साल तक चल सकता है, इक्के दुके केस कहीं कहीं होते रहे। जी जैसे स्वाइन फ्लू आया था पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, हालांकि उसमें डेथ केसेस जितनी ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन उसका भी एक डर था। अब धीरे धीरे अभी इस वाले महामारी में तो मुझे लगता है कि डेंगू, आपके मलेरिया या फिर स्वाइन फ्लू, इन सब चीजों का तो गौन हो गए, बहुत गौने रह गए ये तो, इनका पता नहीं। जबकि केसेज आ रहे होंगे, हो सकता है उनके भी केसेज हों, क्योंकि वो भी है हमारे खत्म नहीं हुए हैं। फिर चलिए डॉक्टर साहब, हमारा एजेंडा यही था कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, धीरे धीरे अनलॉक की ओर हम जा रहे हैं और सभी राज्य करेंगे, क्योंकि कोई चारा नहीं है कि आपके पास में, जैसे अभी अलका जी ने कहा, कटु सत्य है कि लोग ये चाने कहने लग गए कि भाई रोजगार नहीं है, मरना है तो फिर हम ऐसे क्या। सिर्फ कहा जाता है कि अगर मरना ही है तो युद्ध करते हुए ही मरे, शहीद ही कम से कम देश के नाम होंगे, तो ऐसे बैठने से ठीक है। लोगों में ये धारणा तो बनने लग गई है कि विश्वास जो अंदर से वो पैदा होने लग गया, लेकिन सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। अभी मेरा यही कहना है कि न हमें कोरोना से मरना है, न धंधों के कम होने से मरना है, हमें कोरोना से लड़ाई करके मरना है, हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, और भी आवश्यकता नहीं है किसी बिल्कुल मरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहेंगे। देखिए जिसका लिखा हुआ है उसको नहीं टाल सकते, लेकिन अगर आप सावधान हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, आप उसी तरह से बिहेव करें। वैसे नहीं कि हेलमेट सामने पुलिस वाला खड़ा है तो चलिए उसको लगा लिया, पुलिस वाले के जाते हमने शोल्डर पे उसको फंसा लिया, ये आप मरने के काम कर रहे हैं। आप मास्क लगा करके रखिए, घर से बाहर भी जा रहे हैं तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना आपका। कोरोना ऐसे नहीं है कि आप, लेकिन अगर आप उसे आमंत्रित कर रहे हैं तो बिल्कुल बड़े आराम से पधारो हमारे देश वाली तरह से बिल्कुल आपके अंदर घुस सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अलका जी का जो हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि हम ये कैसे जो मौत हुई उससे हमारी चिंता थी। हम कोशिश करें कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, उन तक वो बात पहुंचा सकें कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें। इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी होनी चाहिए हम सबकी कि हम लोगों को जागरूक कैसे कर सकते हैं, पेंडेमिक में हम उसी मूल धारा में कैसे ला सकते हैं लोगों को, ताकि रोजी रोटी भी चलती रहे और सावधानी पूर्वक अपना काम भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।